हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी क्लास टाइम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है आपने लास्ट वीडियो मेरा तो प्लीज चैनल पे जाके देखें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अलाउज दैट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट या फिर अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। अब सपोज दैट स्टूडेंट्स दिस इज अ कंडक्टर, ये अगर आपका एक कंडक्टर है तो अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब यहां से हमारे पास एक और फिनोमेना आया, दैट इज रो। व्हाट इज रो? अब यहां से आप लोग पूछेंगे व्हाट इज रो, दिस इज द साइन ऑफ द रो एंड वी कॉल इट रेजिस्टेंस। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। एंड अब चलिए इससे पहले हम इसकी यूनिट को निकालते हैं। ओके, ऐसा ही यूनिट को डिराइव करते हैं। ओके, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए के इक्वल होता है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इनटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो रो की जो यूनिट आ गई दैट इज ओम मीटर। तो आपको ऐसा यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप डिराइव भी कर सकते। ओके, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, इज ओम मीटर। अब आप पूछेंगे सर रेजिस्टेंस भी अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, रेजिस्टिविटी भी वही सेम मटेरियल पे डिपेंड करती है, इट इज ऑल्सो फिनोमेना ऑफ दैट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन दैम? तो याद रखना स्टूडेंट्स, द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टेंस जो होता है आपका थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, मैं पहले बता चुका हूं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द मटेरियल। बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल हो गया आपका सिल्वर एंड एलॉयज। अब सिल्वर और एलॉयज की बात करते हैं, तो सिल्वर जो होता है इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज सिल्वर जो है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी है उसकी अपोज करने की, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने की, वो बहुत कम है, इसीलिए वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। वही हम एलॉयज की बात करें तो एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज आर, उनमें रेजिस्टिविटी हाई होती है। ओके, बिकॉज एलॉयज के बारे में आप सभी जानते होंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, तो रेजिस्टिविटी किसमें हाई होती है स्टूडेंट्स? एलॉयज में। अब एलॉयज में रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से आप देखो स्टूडेंट्स, जहां पर रेजिस्टिविटी हाई होगी वहां पर टेम्परेचर बिल्डअप होगा, मतलब टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। ये चीज हम आपको आगे स्लाइड में पढ़ाएंगे, आगे वीडियोस में पढ़ाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट में। तो जो रेजिस्टेंस, जो एलॉयज होते हैं वो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्या नहीं होते स्टूडेंट्स? इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स में एलॉयज का यूज करते हैं।
जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स है, लाइक हमारा इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, उसमें जो कॉइल यूज होती है, हमारे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, हमारा आयरन हो गई, ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम हीटिंग एलिमेंट्स। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में यही डिफरेंस है। तो एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट इज उसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए, इसकी जो लेंथ है उसको हमने एल मान लिया, ओके, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको सपोज दैट 10 ओम दे रखा है, ओके स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमारे पास एक और रेजिस्टर दे रखा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, लेंथ इज l बाय 4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम मटेरियल का वायर यूज कर रहे हैं, सपोज इट एक वायर है ना, दोनों a और b दोनों हमारे पास वायर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस l है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसकी लेंथ l बाय 4 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू l अपॉन a के इक्वल होता है सब स्ट्रेंथ। तो यहां से अगर हम रेजिस्टिविटी निकाल लें इस मटेरियल के तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 रो इनटू l अपॉन a, लेंथ इज l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो ये आपका 10 a अपॉन l इज इक्वल टू रो के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब हम जानते हैं दोनों सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी 10 a अपॉन l होगी, ओके। तो आगे देखते हैं, अब इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वही सेम रो इनटू l अपॉन a, ओके। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, यहां पे हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 10 a अपॉन l इनटू लेंथ आपकी l बाय 4 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 10 a 10 अपॉन 2 ओम, 10 अपॉन 8 ओम के इक्वल, तो रेजिस्टेंस आपका 1.25 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर आप लेंथ को 1/4 कर देंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया जाता, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता। तो लेकिन यहां पे इस कंडीशन में क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, ओके। मतलब रेजिस्टर्स दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स। अब बेसिकली रेजिस्टर्स जो होते हैं दो टाइप से हम कनेक्ट करते हैं, एक तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलली जो हम कनेक्ट करते हैं वहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो पहले ही कनेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, ओनली 3 रेजिस्टर्स कहते हैं, ओके, दैट इज R1 R2 एंड R3। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू RS, ओके। अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं सर्किट को। यहाँ पे हमने प्लग की, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे हमने अमीटर लगा दिया। भाई और बहनों, ये प्लस और ये माइनस, इसका भी ये माइनस और ये प्लस होगा। यहाँ पे हमने वोल्टा मीटर दैट इज V1, यहाँ पे हमने V2 कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने V3 कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसकी, ओके। तो सपोज अगर यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को तो इलेक्ट्रिक करंट जो आई की वैल्यू होती है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में वेरिएशन आता है। तो यहां से अगर सपोज अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहां से भी आई फ्लो होगा, यहां से भी आई फ्लो होगा, यहां से भी आई फ्लो होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन आएगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में, ओके। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 V2 और यहाँ पे V3 दे रखा है, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जैसे कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR के इक्वल होता है, ओके।
तो आपका V1 is equal to हो जाएगा IR1 के इक्वल, V2 is equal to हो जाएगा IR2 के इक्वल, और V3 is equal to हो जाएगा IR3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3 के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि the total potential difference in this loop is I is equal to I1 I2 I3, I1 plus I2 plus I3। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं आई की वैल्यू क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V इज इक्वल टू IR है, तो यहां पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर हम I कॉमन ले लेते हैं तो I कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हम ले सकते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको कहीं मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ओके, पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चलिए तो ये हमारे पास सपोज दैट थ्री रेजिस्टर्स, फिर से हमने लिए थ्री रेजिस्टर्स हैं, तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, एक के नीचे एक, R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी R1 R2 और R3। ओके, यहां पे हमने वोल्टा मीटर कनेक्ट किया, दिस इज प्लस दिस इज माइनस एंड दिस इज अ मीटर, दिस इज माइनस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट में वहाँ वेरिएशन नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में वेरिएशन आता है, लेकिन यहाँ पे सपोज दैट आई करंट फ्लो हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये जंक्शन मिल जाएगा इसको, तो यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने की वजह से यहाँ I2 आ जाएगा, यहाँ पे I1 फ्लो होगा, यहाँ पे I2 फ्लो होगा, यहाँ पे I3 फ्लो होगा। तो टोटल करंट जो हमारे जंक्शन से फ्लो हो रहा है, टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, V is equal to IR होता है, तो हम जानते हैं I is equal to V upon R के equal हो जाएगा। okay? तो यहां से हमारा I1 is equal to किसके equal आएगा, V upon R1 के equal आएगा, और I2 is equal to V upon R2, और I3 is equal to V upon R3 होगा। क्यों होगा, I3 is equal to V upon R3 के इक्वल होगा, I2 is equal to V upon R2 के इक्वल होगा, I1 is equal to V upon R1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो I is equal to V upon R होता है, तो according to equation 1, I is equal to, यहां पे हमारे पास पहले एक फिनोमेनन दे रखा है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज दिस। ओके, तो I is equal to क्या होता है, V upon R, तो V upon R ले लिया हमने, V upon R1 हो गया यहाँ पे, V upon R2 हो गया यहाँ पे, प्लस V upon R3 हो गया, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर V कॉमन ले लें तो हमारा V upon R is equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 के इक्वल हो जाएगा। तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब 1 upon RP की वैल्यू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो आप इस तरीके से मिनिमम रेजिस्टेंस कहीं पे निकालो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जो घरों में जो भी सर्किट बनाए जाते हैं उसमें जो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं पहले भी कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोज दैट हाई वोल्टेज हाई करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर सपोज दैट आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो जाता है तो बाकी के दो तो सही, ठीक है, लेकिन आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में टोटल यहाँ से भी हाई करंट फ्लो हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे। इसीलिए घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलली किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इससे रिलेटेड एक सिचुएशन देख लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास है 2 ओम, R1 हमारे पास है 2 ओम, R2 हमारे पास है 3 ओम, R3 हमारे पास है 6 ओम।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 4 ओम और 1 ओम के इक्वल है, 1 ओम के इक्वल है। तो यहां उस पे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मिनिमम रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप पहले ही कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो सपोज इट ए पॉइंट से करंट फ्लो, हम एक रेजिस्टर को सीरीज में लगा देते हैं और दो रेजिस्टर्स को हम पैरेलल ही कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस रेजिस्टेंस R2 R3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है पैरेलल ही कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं यहां पे। तो ये आपका हो जाएगा 1/RP = 1/R2 + 1/R3 = हो जाएगा। तो ये आपका 1/RP = क्या हो गया, 1/R2 की वैल्यू 1/3 + 1/6 हो गई। तो 1/RP = आपका 6 2 + 1, तो आरपी की वैल्यू आपकी आ गई 2 ओम। तो यहां से हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे हमने जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, तब की यहाँ पे जब आपने आरपी के वैल्यू निकाल ली, तो हम इसको हटा के इसको पैरेलली लगा देते हैं। तो इसको जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो ये आरपी हो जाएगा, दिस इज पॉइंट बी। अब हम निकालते हैं दोनों सीरीज में, तो हम आरएस निकालते हैं, तो आरएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर1 + आरपी के इक्वल हो जाएगा। तो आर1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है ऑलरेडी 2 ओम + 2 ओम, तो आपका हो गया 4 ओम। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप एक को सीरीज में और दो को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आ जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आपको 1 ओम निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कहीं पे भी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो हमने R1, R2 और R3 को पैरेलली कनेक्ट किया। तो जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/R1 मतलब 1/2 + 1/3 + 1/6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपका 6 LCM आ गया, 3 + 2 + 1 हो गया, तो यहाँ आपका 6/6 हो गया। तो मतलब 1/RP की वैल्यू 6/6 आ गई, तो दैट इज इक्वल टू 1/1, तो RP की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम रेजिस्टेंस जब भी आपको निकालना हो, तो आप पहले भी निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टूडेंट जो बैड और नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें क्या फ्लो हो रहे होते हैं स्टूडेंट, चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर में कॉन्वेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो चार्जेस फ्लो, तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो सपोज यदि हमारा कोई अलॉय है, अब हम जानते हैं अलॉयज में क्या होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है उसकी। अब इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन से जो हमारे चार्जेस है वो क्या कर रहा है, उनको अपोज कर रहा है, पीछे की तरफ अपोज कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो आपस में कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज है कोई बुलेट है, अब बुलेट है वो, अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, K = हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, दैट इज K = होता है आपका 1/2 mv2 k². तो ये काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई है। ठीक है, अब ये क्या, वो वुडन ब्लॉक में आगे टकराए, ओके, वुडन ब्लॉक में आगे स्ट्राइक की टकराए, टकराने के बाद क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी ऐसे होगा। अब यहाँ पे सपोज एक रूम है बॉस, अब छोटा सा रूम है, उसमें हम क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनमें हम क्या करें, हम कि बैटरी लगा के छोड़ दें, तो क्या होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, कोलिजन की वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे भी
जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो यहां पे भी क्या जनरेट होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, और हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट होगा स्टूडेंट, चार्जेस की वजह से। ओके, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा चार्जेस की वजह से। अब जो आपके चार्जेस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या किस वजह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे। ठीक है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहा है। ठीक है, अब सपोज अगर यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है और चार्जेस मूव कर रहा है बी। ठीक है, और चार्जेस को डिनोट हम किससे करते हैं, क्यू से। तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने वर्क डन क्या होता है, तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन क्यू के इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। अगर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी इंटू क्यू के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ v इज इक्वल टू ir के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहां पे v इज इक्वल टू ir पुट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू आपका v अपॉन i भी हो सकता है, और i इज इक्वल टू v अपॉन r भी होता है, i इज इक्वल टू v अपॉन r भी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप डेराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास b इज इक्वल टू आई आर आ गया। अब हम जानते हैं चार्जेस कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, i इज इक्वल टू q अपॉन t के इक्वल होता है, तो q इज इक्वल टू आपका i t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास b की वैल्यू है, हमारे पास q की वैल्यू है, तो हम i और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन वन में। तो इसको हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी इन इक्वेशन वन। जैसे हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए डब्ल्यू डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू अपनी आई आर है और क्यू की वैल्यू आई टी है, तो आपका ये हो जाएगा डब्ल्यू डी। डब्ल्यू डी क्या हो, मतलब वर्क डन कौन कर रहे हैं, चार्जेस कर रहे हैं, चार्जेस वर्क डन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो वहां पे क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो हम यहाँ पे वर्क डन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अज्यूम कर सकते हैं हीट जनरेशन से, तो हम यहाँ पे एच लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, पावर और भी कुछ टॉपिक्स रह गए हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स को हम टॉपिक के साथ साथ कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज